हेलो दोस्तों, ये मेरे नाइट सूट आए हैं। ये मैंने मंगवाए हैं फ्लिपकार्ट से, और मैं इनका रिव्यू आपको देती हूँ कि ये मुझे किस तरह के आए हैं। ये मैंने ओपन कर लिए थे पहले ही, ये मुझे ना दो चार दिन पहले आए हैं। मैं उस टाइम इनका रिव्यू नहीं दे पाई थी, मैं थोड़ा सा, मुझे लग रहा था कि मैं इनको रिटर्न कर दूं या क्या कर दूं, पर रिटर्न इस वजह से कि मुझे थोड़ा सा लूज थे तो मैं रिटर्न का सोच रही थी। बट मैंने बाद में सोचा कि यार लूज है तो मैं टाइट तो कर लूँगी अपनी मशीन से, तो मैं इनको रिटर्न नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, ये है मेरा नाइट सूट, और पता है ये मिंत्रा में भी था। यार आप ना जब भी शॉपिंग करते हो फ्लिपकार्ट या मिंत्रा से या कहीं से भी शॉपिंग करते हो ना, और मीशो से भी, तो आप हमेशा ना उसके प्राइस चेक कर लेना। मैंने ये वाला नाइट सूट मिंत्रा में चेक किया, आधी लाइट ऑन कर दे दूसरी वाली भी, ये वाला ना मैंने मिंत्रा में चेक किया, तो इसका कॉस्ट कुछ 500 समथिंग थी, 595 थी आई थिंक। और जैसे मैंने मिंत्रा में चेक किया तो उसकी अभी मुझे कॉस्ट याद नहीं है, 495 या मतलब 100 रुपीज का, तो 100-120 का तो फर्क था यार। तो मैंने वहां से परचेज कर लिया ये फ्लिपकार्ट से, एंड अभी तो फ्लिपकार्ट में भी इसका रेट थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो मैंने सोचा यार मैं अपने फ्रेंड्स को इसका रिव्यू दे देती हूँ किस तरह का आया है। तो ये कुछ इस तरह का है मेरा नाइट सूट, ये इस तरह का है। ये ना मेरे को थोड़ा, मैंने लार्ज साइज मंगवाया क्योंकि मुझे लगा कि यार ये जो नाइट सूट वगैरह होते हैं तो मुझे ज्यादा चिपके हुए पसंद नहीं है, बट मुझे लार्ज ही, मीडियम है, लार्ज है शायद ये, हाँ मैंने लार्ज साइज मंगवाया, पर मुझे लग रहा था मुझे मीडियम मंगवाना चाहिए था या स्मॉल, पर मैंने इसको चेंज नहीं किया क्योंकि मुझे, मैंने सोचा मैं इसकी फिटिंग कर लूंगी, अगर मेरे को ज्यादा ही लूज हो गई है तो मैं खुद फिटिंग वगैरह कर लूंगी इसकी, तो मैंने इसको वापस नहीं किया। एंड इसके साथ एक क्यूट सा पर्स भी है, बहुत प्यारा सा पर्स है ये, इसके साथ इसमें पैक होके आया था ये नाइट सूट ना, ये बहुत प्यारा सा पर्स है। और ये इस तरह का कलर, इसका ग्रे कलर है, मुझे बहुत ही प्यारा लगा। और इसका ना जो पजामा है ना वो मेरे को पूरा पूरा फिट है, लूज लूज पजामा है, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, ये बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये। तो मैंने सोचा यार मैं इसको रिटर्न नहीं करूंगी, तो फिर मैंने इसको रख लिया। मैंने सोचा मैं, क्योंकि अगर मेरे को भी ऑनलाइन, वैसे तो मुझे बहुत ही कम करने पड़ते हैं टाइट या खुले जो भी है, बट अगर बाय चांस कोई ऐसी चीज आ जाती है जो मेरे को लूज करनी पड़े तो मैं खुद मशीन से कर लेती हूँ, वो मेरे को परेशानी नहीं होती। यो मेरा यो और ये इसका क्यूट सा पर्स मुझे सबसे अच्छा लगा। एंड पता है इसको लेकर भी मेरे मन में काफी कंफ्यूजन हो रहा था, ये सेकंड वाला जो है ना ये थोड़ा सा, थोड़ी सी विंटर में बहुत अच्छा है ये, कम विंटर के लिए। तो मैंने सोचा कैंसिल कर दूं, मैंने सोचा इसका कॉस्ट बहुत कम थी, 385 का, ये बहुत ही सस्ता आया है अपर और बॉटम दोनों ही। तो पहले मैंने सोचा मैं इसको रिटर्न कर देती हूँ, मुझे लगा यार इतना सस्ता मिल रहा है, अगली ठंड में पता ही ये होगा अवेलेबल ना होगा या कॉस्ट ज्यादा होगी क्या होगा, तो मैंने ना उसको ले लिया। और ना इसका मुझे फैब्रिक भी बहुत अच्छा लगा, और पजामा भी ना, जो इस तरह के पजामे होते हैं लोअर वगैरह मेरे को बहुत अच्छी लगती है खुली सी, तो ये कुछ इस तरह का है। और ये पर्पल कलर है, इसमें मेहरून भी था, ब्लैक भी था, बहुत सारे कलर अवेलेबल थे इसमें। तो ये मेरे को कुछ इस तरह का लगा, इस तरह का ये, मैं आपको पहन के भी दिखा दूंगी दोनों में आपको पहन के दिखाती हूँ कि किस तरह का ये, मैं दोनों ट्राई करके दिखाती हूँ कि किस तरह के आए फिट मेरे को ये। एंड मैं आपको पहन के दिखाती हूँ किस तरह के हैं ये। तो ये है मेरा नाइट सूट, लार्ज साइज का, कुछ इस तरह का है ये। और ये ना मेरे को बहुत अच्छा लगा, लूज भी है थोड़ा सा, काफी लूज है मेरे को ये, बट अगर मेरा दिल हुआ तो मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको टाइट कर लूंगी, बट ये बहुत ही प्यारा है। पर इसका ब्रांड मैं बताती हूँ आपको कौन सा ब्रांड है ये,
ये इस तरह। और पता है वैसे तो मुझे मोस्टली क्या करना पड़ता है कि जब भी मैं कोई मतलब ऐसे नाइट सूट मंगवाती हूँ ऑनलाइन, तो मुझे उनके पजामे जो है ना वो छोटे करने पड़ते हैं, बट इसकी पूरी पूरी लेंथ आई है, मेरे को कहीं से भी मेरे को ये छोटा नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, और ये इस तरह का खुला खुला है कि मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये मेरे को। अगर मेरा दिल हुआ तो मैं इसको टाइट करूंगी, नहीं तो मैं खुला रहने दूंगी, क्योंकि गर्मियों में ना खुले चलेंगे। कलर भी मेरे को बहुत ही प्यारा लगा। एंड ये है मस्ट एंड हैवर का ये वाला, और ये क्यूट सा पर्स इसके साथ। एंड दोस्तों ये बहुत ही कंफर्टेबल नाइट सूट है, और इसका ना फैब्रिक भी बहुत ही प्यारा है। वो जो नहीं होते मतलब जो हॉजरी टाइप का फैब्रिक होता है वैसा फैब्रिक है इसका, और बहुत ही अच्छा फैब्रिक है। और ये पहले तो मैं इसको रिटर्न करने के सोच रही थी, बट मैंने नहीं किया यार, क्योंकि इसका फैब्रिक और मेरे को बिल्कुल परफेक्ट आया, बस थोड़ा सा लूज है, इसकी कोई बात नहीं। एंड दोस्तों नेक्स्ट वाला ये वाला है, ये भी बहुत ही प्यारा है, और ये है वेलवेट, इसकी जो फैब्रिक है वो वेलवेट फैब्रिक में, और ये बहुत ही प्यारा है, और ये फुल स्लीव है, थोड़ी सी कम ठंड के लिए बहुत अच्छा है, ये मुझे खुद भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। वैसे इसको आप कहीं घूमने जाओ तो घूमने के लिए भी, डे आउट के लिए अच्छा है ये, बहुत ही प्यारा, बहुत ही कंफर्टेबल है ये, बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है दोस्तों ये। मुझे जरूर बताना आपको कैसे लगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि किस तरह का है, और मैं थोड़ा सा स्टाइल भी लपड़ी मारने। एंड ये मुझे दोनों जो नाइट सूट है ना ये मेरे को बहुत अच्छे लगे, एंड अगर आप लेना चाहो तो इसे ले सकते हो, बहुत ही बजट में है। और ये एंड दोस्तों ये मेरे हैं ऑफलाइन, ये मैंने ऑनलाइन ही लिए, बट यार मुझे लगता है कि ऑनलाइन ज़्यादा अच्छे मिले मुझे और सस्ते भी मिले, ऑफलाइन ना मुझे ये बहुत महंगे पड़े हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये मेरा सिंपल पजामा है, ये अलग से लिया है मैंने, और ये शायद उन्होंने मेरे को 400 का दिया है, ये वाला देखो, ये वाला। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे ऑनलाइन ही मंगवाने चाहिए थे, बट ठीक है। और इसके साथ मैंने ये अलग से खुद मैच किया है, ये वहाँ पे ही, ये इसके साथ नहीं था, ये मैंने अलग से लिया है ये टॉप, तो ये टॉप है। और यार ये ना, और ये वाला जो बॉटम है ना मेरे को पजामा, ये मेरे को 500 का पड़ा है, अकेला 500 का पड़ा है, ये देखना, पर अच्छा बहुत है। बाकी मैंने इनको काट पीट के छोटा भी किया है, क्योंकि इनकी लेंथ ज़्यादा थी तो मैंने इसको काट पीट के छोटा किया है, पर इनको नहीं मेरे को छोटा करना पड़ना, क्योंकि बहुत अच्छे आए हैं। तो ये मेरे को 500 का पड़ा है, एंड ये तो मैंने पता नहीं क्यों मिला लिया इसके साथ, ये मैंने पता नहीं क्यों ले लिया, मुझे अब चेंज भी नहीं करा सकती, ये ले लिया था मैंने इस तरह का ना, ठीक है चलो काम चलाओ है, बट अच्छा है। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ ऑनलाइन नाइट सूट की शॉपिंग और ऑफलाइन। आपको अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।